गाइस आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA San Andreas। तो मैंने इस शोरूम से ना पूरी अपनी आधी जिंदगी गुजार करना, इस शोरूम से मैंने पैसे कमाए हैं। वो अभी नहीं बताऊंगा मैंने कितने कमाए हैं, बाद में आपको बताऊंगी। ऊपर कैसे जा रहा है ये देखो, ये ऊपर कैसे जा रहा है। तो इधर मैंने पूरे शोरूम की गाड़ियां बेच डाली हैं और मुझे कितने पैसे मिले मैं आपको बताता हूँ। मुझे 5 साल में ना, मुझे 5 साल में मिले हैं 50 करोड़। अब वो मैंने 50 करोड़ का क्या कर रहे हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कि मैंने वो मैं इधर बैठ के एक काम करता था और उधर मेरे दो दोस्त बैठे थे। और आंटी भाई सारे ख़त्म हो गए, गाड़ियाँ चलो यहाँ से बाहर निकलो। और लड़ाई करती है, चल निकल। इधर हमारा हमसे बड़ा मतलब हमारा सीनियर इधर खड़ा होता था और इधर मैं बैठता था, उधर मेरे दो दोस्त बैठते थे। इधर जो हमसे कार खरीदने इधर वो इधर बैठते थे। तो अब मैंने 50 करोड़ का क्या करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो मैं उस सिटी से इस सिटी में इसलिए आया था क्योंकि मैं अपना हाउस मतलब अपने हाउस को अच्छा बना सकूं और अपनी गाड़ी ले सकूं। इसलिए मैं यहाँ पर आया था कि मैं अपनी गाड़ी भी ले सकूं और अपना हाउस भी ले सकूं। इसलिए मैं जा रहा हूँ गाड़ी खरीदने के लिए। आप सोच रहे हो कि गाड़ी वहाँ से क्यों नहीं खरीदी, क्योंकि उस शोरूम से मैंने सारी गाड़ियाँ बेच डाली हैं और दूसरे शोरूम से मुझे एक गाड़ी बहुत अच्छी लगी है। उसका नाम मैं आपको अभी नहीं बता सकता, वो आगे जाकर बताऊँगा। तो वो गाड़ी जाकर जल्दी से खरीदते हैं अपने। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो गाइस, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले तो पहुंच सके। फटाफट से जाके वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। वो शोरूम इधर पास ही है, इधर यार हाँ शोरूम की लोकेशन इधर ही है। पहले ये जैकेट पहन लेता हूँ आर्मर अपने सेफ्टी के लिए, उतरता हूँ। मेरे पास 50 करोड़ है, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, फट भी हो सकती है हमारे किसी से। तो अब जल्दी से चलता हूँ गाड़ी खरीदता हूँ। तो गाड़ी वहाँ को दिखाता हूँ, मैंने गाड़ी तो खरीद ली है। गाड़ी देखने से पहले आप वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको मैं गाड़ी दिखाता हूँ। वो गाड़ी एम से बनती है, अगर आपको पता चल गया वो कौन सी गाड़ी है तो जाकर कमेंट में लिख दो उस गाड़ी का नाम। आपको दिखाता हूँ वो गाड़ी है निसान GTR, कितनी खतरनाक है। बस उसका कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा और उसका स्प्लोरर कितना खतरनाक है और वो स्लेंसर भी निकल रहे हैं। ये तो कितनी वो क्यूट है, बुरा बुरा इसकी आवाज़ चेक करो कितनी खतरनाक इसकी आवाज़ है। इसके अंदर टर्बो है, देखते हैं टर्बो है कि नहीं है। इसके अंदर शायद टर्बो भी है, मैंने देखा है अभी मेरे सीट के साथ लगा हुआ है। यहाँ पर नहीं भगाएंगे अभी, जाकर बड़े रोड पर जाकर भगाएंगे और अपनी सिटी में चलते हैं अपने हाउस को न्यू बनाने के लिए। मतलब ये मैंने अब गाड़ी ली है ना, ये मैंने गाड़ी ली है आपको अभी नहीं बताऊँगा, उधर अपने सिटी में जाकर बताऊँगा। पहले ये इसको यहाँ पर भगाते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। ये क्या टैक्सी की मेरे को बड़ी यहाँ से भगाते हैं, चलो लेट्स गो। कितना वो क्यूट है भाई साहब, क्रैश ना हो जाए मेरी कार। ओए पानी के अंदर जाने वाली, ओह बच गया बच गया बच गया। इसका टर्बो क्यों नहीं रुक रहा, ये तो पूरा पूरा रोकीट है। एक बार टर्बो चल गया फिर नहीं रुकता। ये तो ड्रिफ्ट है हमारी जा रही है, कार है क्या ड्रिफ्ट है। चलो शुक्र है घर को तो रुक गया। मैं चलता हूँ अपने शहर और जाकर वहाँ पर अपना हाउस अच्छा बनाता हूँ और जाकर न्यू कार भी खरीदता हूँ। ये कार तो मैंने वैसे ही ली थी। जल्दी चलता हूँ अपनी सिटी में और हाउस को अच्छा बनाता हूँ और न्यू कार भी लेता हूँ। इस सिटी के हालात तो अभी तक नहीं बदले, इस सिटी वैसे की वैसी ही है। आपको अपना हाउस की हालत दिखाता हूँ, बाद में फिर उसकी हालत चेक करना पर कैसे से कैसा हो गया। अभी देखो ये कैसा है, अब ये टूटा फूटा है। ये देखो इसके जैसे ये क्या लगे, ये भी लकड़ियाँ टूट गई इतनी जल्दी से। इसको सारा तोड़ कर मैं न्यू बनाने वाला हूँ, इसको जल्दी से तोड़ता हूँ। आपको गैरेज भी दिखाऊंगा कितना खतरनाक गैरेज है। ये वाला गैरेज देख लो कैसा है, अभी जब मैं बनवाऊँगा ना तब देखना गैरेज कैसा है। अब जल्दी से चलते हैं मैकेनिकों के पास और उसको कहते हैं कि हमारा घर बिल्ड करो अच्छा सा बनाओ, और कार भी लेकर आते हैं इस शोरूम से। तो गाइस मैंने उनको बता दिया और अभी तक बन गया होगा उनके उनको उनका फ़ोन आया था मुझे, उन्होंने कहा आपका हाउस बन चुका है और आपकी कार भी खड़ी कर दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप कह रहे हो वो गाड़ी किधर गई। गाय वो मेरे पास ना वो गाड़ी थी 30 करोड़ की, मेरे पास रह गया 20 करोड़। 20 करोड़ में से अब मैंने लिया 20 करोड़ की गाड़ी और वो जो सा हाउस बिल्ड किया ना उन्होंने, अंदर से उन्होंने वैसे ही रख दिया और बाहर से उन्होंने बिल्ड कर दिया सिर्फ, क्योंकि वो गाड़ी बस 30 करोड़ की थी इसलिए वो 30 करोड़ की बस वही हाउस बिल्ड हो सका। आपको दिखाता हूँ हाउस कैसा बिल्ड हुआ है, चेक करो गाइस हाउस कैसा बिल्ड हुआ है, चेक करो। ऊपर हेलीकॉप्टर भी खड़ा हुआ है और ये क्या लगा हुआ है गोल था, हाँ ये लगा हुआ है, डिश लगी हुई है और ये चेक करो अंटीना वो लगा हुआ, ये चेक करो लंबोर्गिनी हमारी, चेक करो कितनी खतरनाक लंबोर्गिनी। अंदर जाके आपको दिखाता हूँ
कि बाहर से तो बिल्ड हो गए, अंदर से वैसा ही है, क्योंकि पैसे मेरे पास बचे नहीं थे। और बाहर जाके आपको अपनी लैम्बोर्गिनी की सैर करवाता हूँ, टेस्ट करते हैं उसको, और गैरेज चेक करो। मैंने कहा कहा था ना कि गैरेज में बिल्कुल तब्दील करवा दूंगा, ये चेक करो, रिच वाला अमीरों वाला गैरेज है मेरा, अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसी कार है। ये मुझे खतरनाक ही लग रही, तो ये चेक करो कितनी खतरनाक है, ये तो फुल ड्रिफ्टर है, मतलब वो ड्रिफ्टर थी, ये इतनी ड्रिफ्ट नहीं लगाती क्योंकि वो होती है इसलिए, ये तो उससे भी ज़्यादा लग रही है। इसका वो निकाल के चेक करो टर्बो, वो ये तो लग रहा है क्रैश हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक टर्बो है इसका, वो बड़ी मुश्किल से बचा रहा हूँ अपनी कार को। ये वो ठुक गई, ख़राब हो गई होनी मुझे तो लगता है, ठुक गई है फिर से, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हूँ। गाइस अगर आपको ये कार अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, अगर आपको हाउस भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और जाकर कार ओपी लिख देना। तो हम मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।